राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। सलूम्बर में शंकरलाल मेघवाल की हत्या तलवार से सर काट करके कर दी गई, सरकार के कान पे जू नहीं रेख रही है। एक नहीं, सात सात आठ आठ दलितों की हत्या की जा रही है, उनके साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं। सरकार कान में रुई डाले बैठी है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग सत्ता में आज हैं, जो पिछले पाँच साल में हमारी सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान का नारा दे रहे थे, कानून व्यवस्था पे सवाल करते थे, रोजाना आंदोलन करते थे और मुआवजे की मांग करते थे। और कन्हैया लाल की हत्या के बाद में सरकार ने 50 लाख रुपए दिए, और यहाँ जयपुर में एक माइनॉरिटी के व्यक्ति की हत्या हो गई थी, वहाँ भी 50 लाख दिए। पूरे चुनाव कैंपेन में देश के प्रधानमंत्री तक ने दुष्प्रचार किया, झूठ बोला कि साहब तुष्टिकरण की नीति कर रहे हैं, हिंदू को 50 लाख नहीं दिए, 5 लाख दे दिया, मुसलमान को 50 लाख दे दिया। आज हम लोग इनसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी ये कौन सी नीति है कि एक दलित की उसी तरीके से सलूम्बर में नाड़ काट करके तलवार से हत्या कर दी गई, सर अलग कर दिया गया धड़ से, और उसके बावजूद आप एक रुपए का मुआवजा नहीं दे रहे हो, जबकि इन्होंने समझौता भी किया है और दाह संस्कार से पहले समझौता किया, उसके बावजूद भी सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है। तो हमने स्थगन के माध्यम से ये प्रस्ताव किया था, उस टाइम भी हमने विरोध दर्ज कराया था। सरकार ने, माननीय स्पीकर साहब ने ये व्यवस्था दी थी कि सरकार इसके ऊपर, मुआवजे के ऊपर कोई न कोई अपना वक्तव्य देगी। आज जब संसदीय कार्य मंत्री ने, हालांकि गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का भी हाल बड़ा बेहाल है, एक विषय के ऊपर कोई जवाब देता है, एक विषय पे कोई देता है, कभी उसी विषय पे कोई दूसरा व्यक्ति देता है, कभी तीसरा मंत्री देता है। हमने देखा इस हाउस में कि गृह मंत्री की हैसियत से कभी जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री हैं वो जवाब दे देते हैं, कभी आपके जो गजेंद्र सिंह जी की